नमस्कार दोस्तों, मैं जयश्री शर्मा, नाइस वाइस एक्सपर्ट एंड ग्रेड एक्सपर्ट आप लोगों के लिए आज बहुत दिन के बाद एक वीडियो लेके आई हूँ। काफ़ी पेशेंट्स कॉल किए कि मैम जो डाइट हम आप बताती हैं उसमें फूड्स ले लेके हम इतने बोर हो गए हैं, कुछ अच्छा रेसिपी बताने के लिए सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ही ख़ास वीडियो है ये, और एक एनर्जी ड्रिंक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी पोमेग्रेनेट एंड प्लम्स, ये दोनों को मिक्स करके एक टेस्ट एनहेंस अच्छा सा एक ड्रिंक बन सकता है जो आपको बोरियत फील नहीं कराएगा, और आप इसको ले सकते हैं। ये सीजनल फ्रूट्स में भी अभी अवेलेबल है, तो आप जब भी कोई सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल होता है उसके गुण सब में अलग अलग होते हैं, तो जब भी कोई सीजनल फ्रूट्स आए उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, ताकि वो बॉडी के अंदर जाने के बाद दोस्तों ये जो भी इसके गुण हैं हम उसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए दोस्तों, पहले सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि पोमेग्रेनेट के फ़ायदे बताना चाहूँगी। इसमें आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसमें जो भी हमारे ब्लड सर्कुलेशंस हैं, कहीं पे भी क्लॉट्स वगैरह होते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशंस को ये बहुत अच्छे से रिकवर करता है। कैंसर सेल्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग कैंसर हो, एनी टाइप ऑफ कैंसर। ये बोन हेल्थ को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करते हैं। जिनको भी कंस्टिपेशंस रहती है वो अगर रेगुलरली अनार का सेवन करते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद। आयरन, आयरन का भरपूर मात्रा इसमें पाया जाता है। चलिए जानते हैं प्लम्स के बारे में, प्लम्स के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स। ये एनीमिक पेशेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है, तो चलिए और बनाते हैं आज का ये एनर्जी जूस। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं बनाना सिखाती हूँ आज का ये एनर्जी ड्रिंक। और ये देखिए दोस्तों, ये मैंने अनार लिया है, ये एक बहुत बड़ा बाउल है, ये मैंने अनार लिया है, और ये मैंने प्लम्स लिए हैं, इसको हम कट कर लेंगे और इसको हम ऐड करेंगे अनार के जूस में। ये देखिए दोस्तों, मैंने प्लम्स कट कर लिया है, 8 से 10 लगभग आप प्लम्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, जितना मैंने एक 1 बाउल बड़ा सा अनार लिया था और प्लम्स लिए थे, उसमें से ये जूस निकला है, और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ही खट्टा मीठा सा टेस्ट है, बट आप लोगों को पसंद आएगा। एक बाउल में कम से कम, अगर बड़ा बाउल है तो 7 to 8 प्लम्स लेने हैं, अगर छोटा बाउल है तो 3 to 4 लेने हैं, उससे ज़्यादा नहीं डालिएगा नहीं तो बहुत खट्टे हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही अच्छी एनर्जेटिक ड्रिंक है, आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। वैसे दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोगों को ये जूस कैसा लगा। होप सो मैं एक नया वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो लेकर आऊँगी, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, उन लोगों के साथ भी शेयर करिएगा जो लोग फ्रूट्स ले लेके बोर हो गए हैं काफ़ी, और कुछ डिफरेंट रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं और जिससे हेल्थ बेनिफिट भी हो। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा हेल्दी ड्रिंक है, आप लोग ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जल्दी मिलती हूँ आपसे।